वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस से भरी हुई थी। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी की डिसेबिलिटीज को पीछे छोड़ते हुए अपनी अर्थ के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि इन्होंने इनकी लाइफ की इवेंट्स क्या क्या रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी 14 मार्च को इनकी डेथ हुई है। तो अब इस बार एग्ज़ाम्स के लिए भी इनके जो पब्लिकेशंस हैं, इनकी जो डिस्कवरीज हैं, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीफन हॉकिंग। फाइन, पहले चीज़ हम लोग देख लेते हैं इनकी कुछ लाइफ की इवेंट्स की समरी देख लेते हैं, फिर हम इनके आगे पब्लिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे 8 जैन 1942 को इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। इस डेट को याद रखना, ये डेट पूछी जा सकती है, 8 जैन 1942। उसके बाद इन्होंने 1959 में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। उसके बाद 1962 में अपना इन्होंने स्टडीज फिनिश करी। 1963 के बाद इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी थी कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, जनरल रिलेटिविटी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी पे रिसर्च स्टार्ट करी। फिर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई, इनके बाद इनको एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इनकी बॉडी में। उस डिजीज़ का नाम था मोटर न्यूरॉन डिजीज़। ये डिजीज़ ऐसी थी जिसे कोई भी क्योर नहीं कर सकता था। डॉक्टर्स ने इनसे बोला था कि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है, लाइक 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो सभी और कोई होता तो लाइफ की होप छोड़ देता और परेशान हो जाता, बट इन्होंने सोचा कि जितना भी टाइम हमारे पास बचा है वो सब मैं अपनी रिसर्च को दूंगा और अपने इस यूनिवर्स के लिए कुछ करके जाऊंगा। तो इनकी यही जो करने, ये जो जीने की क्षम, जीने की जो ये नहीं विश थी, इच्छा थी, इसी वजह से वो इतने लॉन्ग जी पाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम 1970s में इन्होंने अपनी रिसर्च और तेज कर दी और ये बताया कि जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स की थ्योरी इन्होंने दी थी और ये बताया था कि ब्लैक होल जो होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं। पर 1970s के बाद इनकी जो बॉडी पार्ट्स थे उन्होंने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो बोलना भी इनका बंद शुरू हो गया था। दैट मीन्स बोलना भी इनका रुक रहा था। उसके बाद भी इन्होंने अपनी डिस्कवरीज जारी रखी, 73, 79, 88, और हर साल, हर 2 साल, हर 2 साल 3 साल में कोई न कोई इन्होंने अपना पब्लिकेशन जारी रखा, रिसर्च जारी रखी। एट द एंड 2015 में इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे थे जो ये पता करना चाहते थे कि कहीं और भी ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जहाँ पे एलियंस रहते हैं। तो ये रिसर्च अभी लास्ट में कर रहे थे और अभी 14 मार्च 2018 को ये इनकी डेथ हो गई। फाइन, तो ये था कुछ शॉर्ट इवेंट्स इनकी लाइफ की। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी थिंकिंग क्या थी और आगे क्या क्या पब्लिकेशन हुए। देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो अपने भगवान के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि ये गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। जैसे इन्होंने कहा था, आई बिलीव द यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ साइंस। जी हाँ, हमारा जो यूनिवर्स है वो साइंस के लॉ पे वर्क करता है। ये इनका मेनली जो फोकस था वो लॉ ऑफ साइंस पे था कि आखिर साइंस के ऐसे कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा यूनिवर्स काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि हो सकता है द लॉ मे हैव बीन डिक्रीड बाय गॉड। वो कहते हैं कि जो ये लॉ है जिसके बेसिस पे हमारा यूनिवर्स चल रहा है, हो सकता है ये भगवान का ही आदेश हो। ठीक है, हो सकता है, वो 100% नहीं कहते थे क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे, बट गॉड डज नॉट इंटरवीन टू ब्रेक द लॉज। अपने जो लॉ उन्होंने खुद आदेश दिए हैं वो खुद भी उन लॉ को नहीं तोड़ेंगे या उनके बीच में दखल नहीं देते हैं, ऐसा इनकी गॉड के लिए थिंकिंग थी और यूनिवर्स पे थिंकिंग थी। फाइन, आगे हम बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि आखिर इन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरीज करी हैं। सबसे पहली द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स,
यूनिवर्स के बारे में इन्होंने बात किया कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उस पर अपनी थ्योरी दी। उसके बाद टाइम, आखिर टाइम क्या है, फिर उन्होंने कहा कि टाइम को भी एक डायमेंशन होनी चाहिए इस यूनिवर्स में। टाइम पे बात करी, टाइम के बाद फिर आई इनकी बिग बैंग थ्योरी। जब ये थ्योरी इन्होंने दी थी, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, ठीक है। इनकी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल एंड स्पेस टाइम सिमिलैरिटीज। फिर उसी में आगे अपनी रिसर्च में बढ़ते चले गए, ग्रेविटी और स्पेस टाइम के बारे में बात करने लगे। फिर उसके बाद ब्लैक होल रेडिएशन की बात बताई कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और ये क्या रेडिएट करते रहते हैं जिससे कि ये बाद में ख़त्म हो जाते हैं। फिर बात कर यूनिवर्स विदाउट स्पेस टाइम बाउंड्रीज, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी ना तो कोई बाउंड्री है और ना ही कोई टाइम स्पेस है, उसका स्पेस टाइम है, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। उसके बाद एथिज्म, फिर बात करी द हाई लाइकलीहुड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अपनी रिसर्च के एंड में आके उन्होंने कहा था कि जिस तरह हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसे ही और भी प्लैनेट्स होंगे इस ब्रह्मांड में जहाँ पे हमारे जैसे ही लोग या एलियन रहते होंगे, ठीक है। यही रिसर्च उनकी लास्ट चल रही थी। फिर हम बात करेंगे पब्लिकेशंस के बारे में। पब्लिकेशंस में देखेंगे, पहले इन्होंने दिया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1988 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जो थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पूछी जा सकती है इन बुक्स के नाम या पब्लिकेशंस के नाम, तो इनको एक बार जरूर ठीक से देख लेना। पहली आई थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में। अगर ये डेट ये ईयर याद ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना हो कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी थी, हॉकिंग ने, ठीक है। फिर ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स एंड अदर एसेज 1994 में। फिर द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, उसके बाद यूनिवर्स इन नटशेल, इम्पॉर्टेंट बुक है ये 2001। जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने आगे डिस्क्राइब भी किया है, तो अभी आप पूरी लिस्ट देख लीजिए बुक्स की वो कौन कौन सी है। उसके बाद आता है द फ्यूचर ऑफ स्पेस टाइम, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स स्पेस टाइम इन सब पे इन्होंने रिसर्च करी थी, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने बुक्स या पब्लिकेशन करे थे। ऑन द सोल्जर्स ऑफ जियांट 2002। उसके बाद द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गॉड क्रिएटेड इंटीजर्स द मैथमेटिकल ब्रेक थ्रूज दैट चेंज्ड हिस्ट्री, ठीक है, इन्होंने इस पर भी रिसर्च करी थी। द ग्रैंड डिजाइन, इम्पॉर्टेंट बुक है, 2010 में आई थी, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद द ड्रीम्स द स्टफ इज मेड ऑफ, ये इतना खास नहीं थी। द ओरिजिन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग 2016 में, द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग था, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसके बाद आई द ओरिजिन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ चीज़ें थी जिन्हें वो वहाँ पर सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, आफ्टर रिसर्च करी उन्होंने 2016 तक आते आते उन्होंने एक नया पब्लिकेशन दिया। फाइन, तो पब्लिकेशंस को आपको याद कर लेना है, इनके नाम एक बार जरूर देख लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले। इस बार 100% चांसेस हैं कि कोई ना कोई बुक या पब्लिकेशन का नाम या थ्योरी का नाम देगा और पूछेगा किसने किया, ठीक है, ओके। फिर हमने जो मेन मेन बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन बुक्स के कवर जैसा वो ऊपर से दिखती हैं ताकि याद करने में आसानी हो, और उस बार उस बुक के बारे में लिखा है कि उस बुक में क्या दिया गया है। अगर बहुत डीप में पूछेगा तो बोल सकता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा था स्टीफन हॉकिंग ने, उसमें उन्होंने क्या चीज़ बताई थी, थ्योरी पूछ सकता है किस थ्योरी के बारे में बोला था। तो जैसे इसमें हमने लिखा है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम टू हेल्प नॉन साइंटिस्ट, जो ऐसे बंदे जो साइंटिस्ट नहीं हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये बुक उनके लिए लिखी गई थी। ये बताना चाहते थे कि आप लोग भी जानो कि वेयर डिड द यूनिवर्स केम फ्रॉम, आपका ब्रह्मांड कहाँ से आया है, ये हाउ एंड वाई डिड इट बिगिन, कैसे बिगिन हुआ ये, विल इट कम टू एंड, क्या ये कभी समाप्त होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनरल पब्लिक है उसे समझने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें इतनी टेक्निकल बातें नहीं लिखी, बट हाँ इतने जरूर लिखा था कि सबको समझ में आ जाए कि ये यूनिवर्स क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, ठीक है। बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ना। फिर इन्होंने लिखी थी, इन्होंने जाके कुछ लेक्चर्स दिए थे ब्लैक होल पे, तो उन लेक्चर्स को इन्होंने एक बुक में एक बुक बना ली थी उन लेक्चर्स की, और इसलिए इस बुक का नाम रख दिया गया था ब्लैक होल्स, जिसके बारे में इन्होंने सारा सब कुछ बताया था। और
इनको नाम दिया गया रेत लेक्चर्स, इस बुक का नाम ही कर दिया गया, और उस बुक में जो भी ब्लैक होल्स के बारे में इन्होंने बताया था वो इंक्लूडेड था, मेनली ये ब्लैक होल्स के बारे में थी। फाइन, स्टीफन हॉकिन ने एक और बुक लिखी थी, द यूनिवर्स इन नटशेल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने कहा था कि जो रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी है फिजिक्स में, इसके बियॉन्ड जाके इन्होंने एक थ्योरी डिस्क्राइब करी थी, एम थ्योरी एंड ब्रेन्स। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे समझ भी नहीं आएगी, ओके, बट इतना जान लो कि इन्होंने इस थ्योरी से बियॉन्ड जाकर एक नई थ्योरी दी थी, एम थ्योरी एंड ब्रेन्स, ठीक है, वो इस बुक में दिया था इन्होंने। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्रैंड डिजाइन, ज्यादा अभी टाइम नहीं हुआ इसको पब्लिश हुए। फाइन, तो इसके बारे में भी ठीक से पढ़ लेना। इसमें क्या इन्होंने कहा था, यूनिवर्स के बारे में, कैसी क्या डिजाइन है यूनिवर्स की, कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीजें बताई थी। क्या क्या क्वेश्चंस आप इससे बुक से सॉल्व होंगे आपके, व्हेन एंड हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था ना जो पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, इन्होंने वो जो बुक लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, उसके बाद भी इन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो उसके लिए फिर से इन्होंने एक बुक लिखी ग्रैंड डिजाइन, उसमें और सिंपल वे में और चीजों को इंक्लूड करते हुए, सारी रिसर्च को इंक्लूड करते हुए ये बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड था वाइट, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, वेयर आर वी, वाई आर वी हियर, हम लोग यहीं पे क्यों हैं, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा इन्होंने दिया था। फाइन, आगे देखते हैं, माई ब्रीफ हिस्ट्री, फिर इन्होंने माई ब्रीफ हिस्ट्री रिकाउंट्स, स्टीफन हॉकिंस, इम्प्रॉबेबल जर्नी, जितनी भी इनकी जर्नी रही है, कैसे ये अपने चाइल्डहुड में कैसे थे, यंग थे तो इन्होंने ये देखे देखे यंग थे तो ये कैसे लग गया, कैसे इनकी इवेंट लाइफ थी, ये सब चीजें, ठीक है, जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद इनका कैसे क्या सब हुआ, सेलिब्रिटी ये कैसे बन गए, ये इनकी पूरी हिस्ट्री थी, माई ब्रीफ हिस्ट्री एक बुक है ये। फाइन, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। फाइन, तो इस लेक्चर में इतना ही, आपको थ्योरीज याद करनी है और आपको इनके पब्लिकेशंस, इनकी बर्थ कब हुई और इनकी डेथ कब हुई, आप इनके बारे में और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। फाइन, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको लेक्चर और पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।